हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राइज एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप लोग इधर कुछ समय से लगातार हमें काफ़ी मैसेजेस और मेल्स कर रहे थे कि सीईटी की फॉर्म कब आ रही है, कब आएगी। कुछ बच्चे जो पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं, इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि भाई सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेट पर सर्च के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि भाई यहाँ कंटेंट दिया है, हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई बता दे, कोई पहले से इसे जुड़ा हुआ वो हमें बताए कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा विश्वास होगा। तो ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जो पिछले साल उत्तीर्ण ना हो पाए, पास नहीं हो पाए, और जो इस साल ये ख्वाब लेके आए हैं कि हम भी इस बार सीईटी दें, एनआईईटी सीईटी एग्जाम में बैठें तो हम पास हो जाएं। बीपीटी बीओटी बीपीओ जैसी अच्छी कोर्सेज जो अवेलेबल हैं इस एग्जाम में, उसमें हम कोई ना कोई एक बढ़िया कोर्स लेके आगे बढ़े। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं मैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। बात करें तो जो आपका फॉर्म डेट है कि फॉर्म कब आने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, भाई पिछले साल से देखा जाए लगभग दो साल पहले तक तो एज लिमिट थी इसमें एलिजिबिलिटी में, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, तो ये फायदेमंद है। और तीसरा, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या कोई चेंज होने वाली है या ऑलरेडी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सर एनआईईटी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो लाइसेंस एक्सपायर दिखा रहा है, क्या करें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो चलिए आज का हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं बता दूँ आपको, सपोर्ट के लिए हमने एक नंबर जारी कर रखा है 7667535127। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो, चाहे एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, काउंसलिंग रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, तो आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि एनआईईटी सीईटी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो सबसे पहला है आपका एसवी निर्ता, एसवी निर्ता ये ओडिशा में है, कटक में है वैसे तो, ओडिशा स्टेट से है। फिर बात करें एनआईईटी, एनआईईटी आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल से है, तो ये कोलकाता में है। फिर ऐसे ही है पंडित दीनदयाल वाली कॉलेज, पंडित ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली का है, दिल्ली का है यानी दिल्ली में है। और ये रहा आपका डिपमल, डिपमल तो निकमन कहाँ है आपका, चेन्नई में है। तो ये जनरली चार कॉलेजेस इस एग्जाम के अंतर्गत आती है। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले इसमें तीन कॉलेजेस होते थे, दिल्ली वाली कॉलेज नहीं थी, दिल्ली वाली कॉलेज हाल ही में ऐड हुई है, तो ऐसा हो सकता है, संभावना है कि एक दो कॉलेज और इसमें जुट जाए। अब मेरा ये नहीं मालूम कि कौन सी कॉलेज जुड़ेगी, मैं ये क्लियरली भी नहीं कह सकता हूँ कि जुड़ेगी भी या नहीं जुड़ेगी, बट कुछ हमें इनपुट मिले हैं कि हाँ एक या दो कॉलेज या उससे भी ज़्यादा कॉलेज हो सके इसमें जुड़ेंगी, जो बीपीटी बीओटी बीपीओ कॉलेजेस चलाती हैं, यानी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑस्थेटिक्स कोर्सेज में इंडल्स्ड हैं। ऐसी कई सारी जो कॉलेजेस हैं वो राह देख रही है सीईटी के अप्रूवल की, कि सीईटी हमें अप्रूव कर दे, एनआईईटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाए तो हम भी इस एग्जाम के तहत बच्चों को एडमिशन दे सकें। कुछ सरकारी हैं और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब बात चल रही है, देखिए क्या होता है। ठीक, ये भी अब मैं किसी बात की गारंटी नहीं करूंगा, पहले अब कोई बच्चा बाद में मैसेज करे सर आपने ऐसा बोला था, देखो हमारे पास वीडियो है आपका ऐसा हुआ है, तो बच्चों इसका मैं गारंटी के साथ मैं नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा होगा, बट हमें भी कुछ खबर मिलती रहती है। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस इसके अंदर आती हैं। कॉलेजेस, तो कॉलेजेस अभी हमने देखा एनआईईटी दिल्ली की जो कॉलेज है पंडित, दिल्ली की जो कॉलेज है वो है पंडित दीनदयाल वाली कॉलेज पंडित। अब बात आती है सर लड़कों के लिए बेहतर कौन है, लड़कियों के लिए बेहतर कौन है, तो मेरा ये मानना है और जितने स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं जिनको हमने पिछले साल पढ़ाया, गाइड किया, काउंसलिंग में भी मदद की, एडमिशन में भी,
तो उनका यही कहना है कि भाई पंडित दीनदयाल गर्ल्स के लिए बेहतर साबित हो रहा है, बेटर फॉर गर्ल्स, ठीक, एनआरडी भी बढ़िया है। लेकिन इसवी निर्तार की बात करें, इसवी निर्तार की बात करें तो ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है एनआरडी। बॉयज गर्ल्स दोनों ही सही है, लेकिन बेहतर में माना जाए तो यहां मैं डबल स्टार लगाऊंगा दोनों के लिए बेहतर, और यहां तो गर्ल्स के लिए अकेले सबसे बेहतर। बेस्ट कॉलेज मेरा मानना है या बाकी बच्चों का जो रिकमेंडेशन है कि बेटर देन एसवी निर्तार, दैट इज ऑर्डिनेट। लेकिन इसका एक दिक्कत क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल है यहां, बॉयज हॉस्टल नहीं है। हां, ड्रॉबैक क्या है इसकी, बॉयज हॉस्टल यहां नहीं है। जहां हम देखें फी स्ट्रक्चर की, कि एनआईडी का फी स्ट्रक्चर 30-35 हजार के आसपास लाई करता है, वही इसका फी स्ट्रक्चर दिल्ली वाले कॉलेज का 50 हजार के आसपास है। बेहतर जानते हो क्या है, आप कैपिटल में रहोगे, पंडित दीनदयाल वाले कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आप कैपिटल में हो, कंट्री के कैपिटल में, आपके सामने बहुत बढ़िया एक्सपोजर है पेशेंट का। दूसरी बात, फ्यूचर है आपके पास, क्यों, क्योंकि आप बढ़िया जगह होते हैं, वहां की मार्केट कैपिटल बहुत बढ़िया है, वहां का ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है आप पढ़ोगे, आप सरकारी से पढ़ रहे हो तो पेशेंट अच्छे खासे मिलेंगे देखने को, आपका एक्सपोजर, आपको बढ़िया कुछ सीखने को मिलेगा, पेशेंट बेस आपका बढ़िया बन जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, समय के साथ अपने पढ़ाई के साथ आप उनसे इंटरेक्ट होते रहेंगे तो आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक बॉन्डिंग बन जाएगी कॉलेजेस या बाकी हॉस्पिटल्स के साथ। और इसका फायदा जानते हो कब मिलेगी, जब आप उस कॉलेज से पास आउट होगे, इंटर्नशिप करने के बाद पास आउट होगे, उन कॉलेजेस के बाद आप किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहोगे, वहां आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका पहले से उनसे जान पहचान है, वो तुरंत आपको रखना चाहेंगे, क्योंकि आप पार्ट टाइम यहाँ काम कर चुके हो, जब थर्ड ईयर में रहोगे पार्ट टाइम में वर्किंग करने लगोगे, मान लो 2-3 घंटे पार्ट टाइम कर रहे हो, 10-15 हजार मिल जाएगी पेमेंट, आपका खर्चा भी निकल रहा है, आप कुछ एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, साथ ही साथ उनके साथ एक बढ़िया रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, कि भाई प्रोफेशनल रिलेशन की बात करूँ, बढ़िया रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। कल के डेट में आप डिग्री लेके वहां से निकलोगे तो वो चाहेंगे कि भाई ये हमारे यहाँ काम किए हैं, इनके काम से हम खुश हैं, ये हमारे यहाँ आए, अच्छा खासा पेमेंट ऑफर करेंगे और आपकी लगे हाथ लॉटरी, जॉब लग जाएगी। आज के दौर में जहाँ जॉब नहीं है वहाँ आपको जॉब लग रही, बढ़िया बात है। तो एक तो ये, फिर इसके बाद आती है डिपमट। अब पता नहीं क्यों बच्चे डिपमट से कन्नी काट लेते हैं, दूर भागते हैं, नहीं कुछ भी हो जाए मैं डिपमट में नहीं जाना। भैया क्यों डिपमट में आपको क्यों नहीं जाना है, तो उनका यही कहना होता है कि डिपमट चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है, और चेन्नई में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। क्या आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। यदि आप पढ़ने में लैंग्वेज को देखोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ट्रीटमेंट में भी लैंग्वेज होता है क्या, तो ये मत सोचिए कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको सीखना है, आप जाइए थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, जीवन में स्ट्रगल करना चाहिए लोगों को ताकि उसकी अहमियत को पता चल पाए। वहां एडमिशन लेते हैं तो हल्का फुल्का है लैंग्वेज प्रॉब्लम, स्ट्रगल है, बट इंग्लिश गुड, एवरीथिंग गुड, तो जरूर उसके लिए आप ऑप्ट करें, ठीक है। लास्ट प्रायोरिटीज को रखें, इसको हटा ही ना दे, रखें इसको। तो ये चार कॉलेजेस आती हैं, मेरा मानना है कि गर्ल्स, आप गर्ल्स में से आते हैं तो आपके लिए बेहतर है दीनदयाल वाली कॉलेज, दिल्ली की कॉलेज, ये पदोन्नत कहाँ की है, दिल्ली की कॉलेज है, ठीक। और यदि आप पढ़ने में भी अच्छे हैं तो गर्ल्स तो ये जाए, नहीं तो फिर इसमें निर्धार को चुने, बेहतर ऑप्शन। इसके बाद एनआईएमडी कलकत्ता, और लास्ट में जनरली आप रखते ही हैं चेन्नई को, लेकिन जो साउथ से हैं उनके लिए भी बेहतर मैं कहूंगा दीनदयाल, और वो नहीं तो फिर आप चले जाएं डिपमट के लिए, दिस विल बी द बेटर ऑप्शन। हाँ, ऐसा आपको लगता है कि नहीं सर आपने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया, हमें ऐसा सोचना है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके सामने की जो नंबर दी गई ना इसके आप उनसे सुझाव ले सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, कोई गाइडेंस आई है हम गाइडेंस भी दे रहे हैं, एकेडमिक काउंसलिंग तक कराते हैं, अरे तैयारी तक कराते हैं एग्जाम की, तो आपको जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी होने के लिए सबसे पहले तो आप 17 ईयर प्लस होने चाहिए, आपकी उम्र
17 साल से ज्यादा होनी चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, जो एग्जाम होती है वो 100% इंग्लिश मीडियम में होती है, एग्जाम जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। तो इतना मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको जो भी चीजें है वो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, नहीं तो फिर स्ट्रगल की बात होने वाली है, स्ट्रगल होना करना पड़ेगा इसमें। ठीक, ये रही। इसके बाद क्या है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, एनआरआई नहीं, क्या होने चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, जो कि बेसिक मांगता ही है। 11th 12th, वैसे आपको जो होना है वो 12th पास होना है, या 12th अपीयरिंग, 12th अपीयरिंग और पास, 11th तो पास ही है, 12th अपीयरिंग होना चाहिए पास। और जो सिलेबस इसकी रहेगी वो 11th 12th की रहेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको। फिलहाल 11th 12th 11th हटा देता हूं मैं, 12th अपीयरिंग, ठीक है। इसके साथ साथ भाई 12 अपीयरिंग है और क्या, तो और यही कि भाई जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट में बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपके जो लगने वाले हैं आगे चल के, अभी फिलहाल नहीं, जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं फटाक से आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका रेसिडेंशियल, कहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लें और कोशिश कीजिए डिस्ट्रिक्ट से बनवाने का, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाइए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए सारे सर्टिफिकेट, जो जो लिख रहा हूँ, रेसिडेंशियल, कास्ट, यदि कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होती है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट से बनवाए, यानी सेंट्रल का ही बनवाए। ओके, रेसिडेंशियल हो गया, कास्ट हो गया, और इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि जब आपकी काउंसलिंग के समय का जब समय आएगा काउंसलिंग का, कॉलेज अलॉटमेंट का, कॉलेज का सीट बुक करने का 10,000 रुपया लगता है, तो फंड अपने पास रखेगा, लेकिन वो तो बात की बात है। तो जनरली यही एलिजिबिलिटी है, इंग्लिश माध्यम में परीक्षा होती है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो भी इसमें जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश से, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों से यदि पढ़े से ध्यान पहचान रहेगी तभी एग्जाम में कुछ कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं निकाल पाते, निकाल लेते हैं, मेहनत मांगता है ये चीज़, ठीक है। आगे तो सारा मेडिकल लाइन का पूरा पढ़ाई ही इंग्लिश में है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश, आगे इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो ये एग्जाम यदि इंग्लिश में ले भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात ये है कि आप हिंदी मीडियम में हैं और इंग्लिश में एग्जाम देंगे, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, ठीक। अब ये बातें हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस का भी हमने बात किया था, 11 और 12 का क्या पूछेगा, फिजिक्स पूछ लेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछ लेगा, ठीक। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर, क्या इंग्लिश ग्रामर पूछ लेगा, इंग्लिश ग्रामर, और क्या पूछेगा, और पूछेगा आपसे करेंट अफेयर्स, क्या पूछेगा, करेंट अफेयर्स पूछ लेगा जीके। तो ये पूरा सिलेबस है आपके एनआईटी सीईटी का। सर 11 12 हम तो नीट की तैयारी कर रहे थे और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनसे मैथ पूछ लेगा, सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। अरे नहीं, मैथ्स वाले को भी ये एग्जाम मौका देती है एंट्री लेने का, यानी मैथ्स वाले भी मेडिकल लाइन में आना चाहे तो वो आ सकते हैं, बायो वाले जाते ही हैं, यानी आपका पीसीएम है तो भी आप इस एग्जाम के लिए भर सकते हैं, आपका पीसीबी है तो भी भर सकते हैं, ठीक। इसमें जो डिग्रियां मिलेंगी या जो कोर्सेज हैं वो है बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीओटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीपीओ बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक। करेंट अफेयर्स, सर इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत सही है, जो हिंदी मीडियम से उनका तो पूरा बोले होता है एकदम जीरो, तो उनको मेहनत करने की जरूरत है, इंग्लिश मीडियम वाले तो थोड़ी बहुत सही रहती है। अब दिक्कत आती है करेंट अफेयर्स पे, जहाँ पे बच्चे पिछड़ जाते हैं, जहाँ पे बच्चे पिछड़ जाते हैं, यहाँ आपको करेंट अफेयर्स कदापि नहीं पूछने जा रहा है कि भाई वो रेलवे बैंकिंग उनका करेंट अफेयर्स यहाँ नहीं आ रहा, इसका करेंट अफेयर्स का सीन अलग है। हाँ, जिन जिन स्टेट में कॉलेजेस है ना, जनरली इनका देखा गया है, उन स्टेट के करंट अफेयर्स ये ज्यादा पूछता है, ये पूछेगा कलकत्ता से रिलेटेड,
ये पूछेगा ओडिशा से रिलेटेड, ये चेन्नई से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड, यानी जहाँ जहाँ इनके कॉलेज हैं वहाँ वहाँ का ही करेंट अफेयर्स भेजता है। पिछले साल का हमारे पास डेटा है, उपलब्ध है, और जल्द ही मैं पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उनका ब्रेक थ्रू मैं लाने वाला हूँ, उनका पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन, क्यों गया सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन गया तो क्यों गया, बाकी क्यों नहीं गया, और करेंट अफेयर्स की एक अलग से एनालिसिस करूंगा कि भाई ये करेंट अफेयर्स का सीन क्या है, कैसे इनके क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं, किन किन मुद्दों से ये क्वेश्चन उठाते हैं, तो हम भी जब तैयारी करेंगे तो उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके चलिए फिर देखते हैं एग्जाम फॉर्म डेट, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब तक आप जो सोच रहे थे कि कब बताएंगे एग्जाम फॉर्म डेट, तो मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल, नहीं नहीं 17 अप्रैल को नहीं आएगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि 17 अप्रैल 2023 को 2023 को लास्ट ईयर फॉर्म आई थी, तो इस बार मेरा अनुमान है 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आ जानी चाहिए थी, अब तक तो नहीं आई है, तो 15 अप्रैल 2023 से लेकर के 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में 20 अप्रैल 2024 ये मेरा मानना है कि फॉर्म इसी के बीच आनी है, फॉर्म इसी के बीच आनी है बच्चों, ठीक। तो अपना जो तैयारी का है ना बक्सा, उसको तैयार कर लीजिए, पेटी बांध लीजिए कि तैयारी करनी है, दम भर तैयारी करनी है, जी भर के तैयारी करनी है, ड्रॉप नहीं लेना है। पिछले साल हमने लगभग 871 बच्चों को काउंसलिंग में मदद किया, कुछ बच्चे पेमेंट किए भी, कुछ बच्चे नहीं भी किए, हमने सबको मदद किया, ठीक। एक तो ये, दूसरा हमसे जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट में बने हुए थे उसमें से कई बच्चे कॉलेज में पहुंच चुके हैं, आपको यदि नहीं मालूम तो आप कभी कॉलेज विजिट करेंगे और यदि वहाँ पूछेंगे ना राइज अकेडमी, बहुत लोग जानते होंगे, तो हमने बहुतों को मदद किया, पढ़ाया है, गाइड किया है, और यदि आप भी चाहते हैं इसका फायदा उठाना तो हमसे जुड़ना पड़ेगा आपको। फिलहाल हमारे तरफ से जो सपोर्ट नंबर दी गई है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात की भाई मदद कैसे हो सकती है, तो हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, अभी लॉन्च हुई नहीं है, उसकी प्राइसिंग भी यहाँ पे मेंशन है, उसकी प्राइसिंग भी यहाँ पे मेंशन कर दी है कि जो प्राइसिंग होने वाली है वो 1999, ठीक। और जो पहले 20 बच्चे होंगे, फर्स्ट 20 बच्चे होंगे, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स, उनको फ्लैट 499 क्या मिलेगी, ऑफ मिलेगी। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, NIRCET के कोर्सेज में इनरोल्ड है, चाहे वो बूस्टर कोर्स के बच्चे हो, चाहे वो SSB बैच के बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले बैच के बच्चे हो, हिंदी मीडियम वाले बैच के बच्चे हो, इन सभी को एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, इन सभी बच्चों को हम फ्री में जो क्रैश कोर्स है उसमें भी हम ऐड कर देंगे, उनके पास इस क्रैश कोर्स, जो कोर्स अभी हम लाने वाले हैं, इसकी भी एक्सेस होगी। अब ये क्रैश कोर्स लॉन्च कब हो रही है, 13 अप्रैल को लॉन्च हो रही है बच्चों, 13 अप्रैल, आज 12 हो गया, ये 13 अप्रैल 2023 को लॉन्च हो जाएगी, लेकिन एक मिनट, 13 अप्रैल दो हजार चौबीस को लॉन्च हो जाएगी, लेकिन क्लासेस कब से चलेंगी, तो क्लासेस आपकी चलने वाली है 21 अप्रैल से, कब से, 21 अप्रैल 2024 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फायदा लेना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो टॉप 20, फर्स्ट 20 जो स्टूडेंट होंगे उन्हें ही ये फायदा, यानी उनका जो एडमिशन हो जाएगा वो 1499 में एडमिशन हो जाएगा, शुरू के जो 20 बच्चे होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, बाकी बच्चों के लिए फिर वही प्राइसिंग रहेगी 1999। सर कितने दिन की होने वाली है आपका, हम सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम
100% डेडिकेटेड हैं। हाँ, जो बच्चे बूस्टर कोर्स में आए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हैं बूस्टर कोर्स में, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी कुछ क्लासेज छूटी हैं, कुछ नहीं बहुत क्लासेज छूटी हैं, तो इसीलिए हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जो बच्चे SSB बैच के उन्होंने ज़्यादा पे किया है, इसलिए उनको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले कुछ ही बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में, जो जनरली क्या होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे CBSE वाले इस समय ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, और जो स्टेट बोर्ड से होते हैं वो इसके लिए उनको तो बहुत को मालूम ही नहीं कि NIIT CET कौन सा होता है, उनको मालूम ही नहीं। तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम हमारा ही है, हम पहुँचा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को बता रहे हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अब आप सोच रहे हो मास्टर तुम हमारे लिए कंपटीशन ला रहे हो, अरे बालक वो जिंदगी ही का जिसमें कंपटीशन ना हो भाई, आप बाकी को पीछे छोड़ के जब आएंगे ना उसकी खुशी अलग मिलेगी, और जब रास्ता खुला हुआ मिलेगा आप जाके वहाँ बैठ गए ना कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो फाइट करो, बाकी को पीछे छोड़ो, रेस में जीत कराओ, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मैं यही कहूँगा कि राइज एकेडमी की जो ऐप है वो हमारे प्ले स्टोर गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लोगो यही है राइज एकेडमी नरिशिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, इसको आप जरूर इंस्टॉल करें, एक बार एक्सेस कीजिए कंटेंट्स को, और इनरोल होना है तो एक बार हमें जरूर मैसेज कर दें कि सर हम इनरोल होना चाहते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं जो क्वेश्चन होंगे आप इनरोल होने से पहले हमसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे, या डायरेक्ट भी इनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर पेपर संग वही वहां, बाय बाय, साइनिंग आउट।